मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। बिहार में जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने 17 महीने पर एक बार फिर पाला बदल लिया है। वे कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ चले गए हैं। इंडिया ब्लॉग बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश अब एनडीए का हिस्सा है। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दी है। पीके ने कहा कि बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनावों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस नए गठबंधन से जेडीयू और नीतीश कुमार को तो फायदा हो सकता है, लेकिन बीजेपी को 2025 के विधानसभा चुनाव में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीजेपी बिहार में अकेले लड़ती तो अधिक फायदे में रहती। पीके ने बीजेपी को भी पलटने वाली पार्टी करार दिया है। इस घटना से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। नीतीश पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने दावा किया, नीतीश जीवन की आखिरी पारी खेल रहे हैं, वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है, इसीलिए वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में बीजेपी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी बार बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को बिहार की जनता पर थोप रही है, इससे जनता में उनकी छवि को भारी नुकसान हुआ है। जनता नीतीश कुमार को नकार चुकी है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि बीजेपी के समर्थकों के पास आज कोई जवाब नहीं है, वो लोगों के बीच क्या जवाब दे। पीके ने आगे दावा किया कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव के नजरिए से बीजेपी के साथ आए हैं, उन्हें बीजेपी के नाम पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर में कुछ सीट मिल जाएंगी। महागठबंधन के साथ होते तो 5 सीट भी जीत पाना उनके लिए मुश्किल था। नीतीश को पता था कि वे इंडिया गठबंधन से लड़ते तो उनकी पार्टी कितनी सीटें जीत पाती। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने रविवार को पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके कुछ ही घंटे बाद 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे ऐसा करने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, साथ ही वो अब सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले शख्स भी बन गए हैं। नीतीश कुमार के अलावा बिहार के नए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। नीतीश के एनडीए में वापसी को इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीनों का समय बचा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।